हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो इम्पैक्ट ऑफ आरबीआई इज लेंडिंग गाइडलाइंस है, तो चलिए देखते हैं क्या है। ये हमारे इकोनॉमी सेक्शन के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, द स्टोरी सो फार। तो चलिए देखते हैं क्या है। ऑन अगस्त 18 एपेक्स बैंकिंग रेगुलेटर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, हमारा जो सेंट्रल बैंक है, इशूड गाइडलाइंस इनेबलिंग अ बोरोवर टू ट्रांजिशन फ्रॉम अ फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट बेस्ड ऑन लोन टू द वन विथ अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट मतलब जब आप लोन लेते हो तो कभी कम होगा इंटरेस्ट, ज़्यादा होगा तो वो उस हिसाब से चलते रहेगा, और फिक्स्ड मतलब कि आपने जिस टाइम पे लिया उसके बाद कम हो चाहे ज़्यादा हो वो उसी को फॉलो नहीं करेगा। वो मतलब जो फिक्स रहेगा, जो आपने स्टार्टिंग में लिया था वो आगे किसी पैटर्न को नहीं फॉलो करेगा, जैसा रिजर्व बैंक कर रहा है कि मतलब मानिए रेपो हाई कर दिया, कम कर दिया, तो उसको नहीं फॉलो करेगा। जो आपने ले लिया जिस टाइम पे हाई था तो हाई रहेगा लाइफ टाइम, कम था तो कम रहेगा लाइफ टाइम। तो ये होता है फ्लोटिंग एंड फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। अकॉर्डिंग टू आरबीआई द एंडेवर वाज टू एड्रेस बोरोवर ग्रीवियंस पर्टेनिंग टू द एलोंगेशन ऑफ लोन टेन्योर एंड और एन इंक्रीज इन द ईएमआई अमाउंट इन द इवेंट ऑफ एन इंक्रीज ऑफ बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट। अ लैक ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन अलॉन्ग विद द एब्सेंस ऑफ consent formed by a part of the concern, the provisions would be extended to existing as well as new loan by the end of the current calendar year. What exactly has RBI instructed? The apex banking regulator has given borrower the option to switch over a fixed interest rate mechanism for their loan from floating rates. This would be based on बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी ड्राफ्टेड बाय द लेंडिंग एंटिटी। मतलब इसने बोला है कि भाई तुम शिफ्ट कर सकते हो फिक्स से फ्लोटिंग में, फिक्स से फ्लोटिंग में, ठीक है। दिस वुड बेस्ड ऑन बोर्ड अप्रूव्ड, बोर्ड अप्रूव करेगा तभी होगा। द पॉलिसी मस्ट ऑल्सो स्पेसिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स सच अ स्विच वुड बी अलाउड ड्यूरिंग अ टेन्योर। तो मानिए आपने एक बार स्विच किया, आपको फिर से स्विच करना है तो क्या अलाउड है, और अगर अलाउड है तो ऐसे आप कितनी बार, क्या पता हर साल आदमी स्विच कर रहा हो तो ये सबके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, तो वो कितनी बार स्विच कर सकते हैं ये भी उसमें दिया जाएगा। द लेंडर मस्ट बी ट्रांसपेरेंटली कम्युनिकेट टू द बोरोवर ऑल रेलेवेंट चार्जेस अलॉन्ग साइड सर्विस चार्जेस और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट एसोसिएटेड विद द ट्रांजिशन। तो यहाँ पर कोई हिडन कॉस्ट नहीं होना चाहिए, यही बात हो रही है, वो जो भी होगा ट्रांसपेरेंटली बताया जाए कि जो लोन ले रहा है यानी कि लेंडर उसको बताना चाहिए, बोरोवर को जो लोन ले रहा है, लेंडर जो लोन दे रहा है वो बताएगा बोरोवर को कि जो बोरो कर रहा है मनी कि भाई ये चार्जेस होंगे अगर आप शिफ्ट करोगे। ये नहीं कि वो करने के लिए एप्लीकेशन डाल देगा बाद में बताया जा रहा है वो भाई 1% ले रहे हैं तुम्हारा लोन का अमाउंट का, तो ये चीज़ पहले से इन्फॉर्म कर देना चाहिए। द रिस्पॉन्सिबिलिटी वुड रेस्ट विद द लेंडर टू कम्युनिकेट क्लियरली। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं होगी, अगर मैं लोन ले रहा हूँ तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मैं जाके पूछूँ क्या क्या है, वो बैंक बताएगा कि भैया ये है। तो ये चीज़ अच्छी चीज़ है कि बैंक को बताने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। एट द टाइम ऑफ लोन सैंक्शन द इम्पैक्ट इमिनेटिंग फ्रॉम द चार्ज इन रिजाइम फ्लोटिंग टू फिक्स्ड, फ्लोटिंग से फिक्स्ड तक, सच एज अ चेंज इन ईएमआई और टेन्योर ऑफ द लोन और बोथ। कि ईएमआई में और टेन्योर में क्या चेंजेस है, एक में होगा कि दोनों में होगा, ये भी। द बोरोवर वुड नाउ ऑल्सो हैव द ऑप्शन टू चूज बिटवीन इन्हेंसमेंट ऑफ द ईएमआई और इलोंगेशन ऑफ द टेन्योर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। देखिए क्या होता है, जैसे आपका ईएमआई आता है और वो फिक्स टेन्योर के लिए आएगा, मानिए 10 ईयर्स है, तो इसमें या तो आप ईएमआई कम करवाइए अपना 10 साल तक भरिए, ठीक है, या तो आप 10 साल को कम करवाइए या तो ईएमआई बढ़वाइए या तो दोनों में चेंजेस करिए। तो ये सारे ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे बोरोवर के पास। तो यही बात हो रही है, इन्हेंसमेंट ऑफ द ईएमआई चेंज हो रहा है आपका, इलोंगेशन ऑफ द टेन्योर कि टेन्योर बढ़ा दिया जा रहा है मानिए ईएमआई कम करके, और कॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ या तो दोनों करा दिया जा रहा है। ही और शी, बहुत अच्छी बात, ये बहुत अच्छे तरीके से लिखा है द हिंदू में, मुझको अच्छा लगा। यहाँ ये होती है ना इक्वालिटी, तुम पता नहीं क्या इक्वालिटी मांगते हो यार। माइट ऑल्सो ऑप्ट टू प्रिपेयर द लोन आइदर इन द पार्ट ऑफ फुल और एनी पॉइंट ड्यूरिंग द टेन्योर। कि भाई वो कभी भी फुल और पार्ट पेमेंट करके बंद कर सकते, अच्छी बात है। दिस वुड हाउएवर स्टिल इन्वाइट फोर क्लोजर चार्जेस एंड प्री पेमेंट पेनल्टी। तो ये दो चीज़ें लगेंगी, प्री पेमेंट पेनल्टी एंड फोर क्लोजर चार्ज।
चार्जेस लगेंगे। फर्दर द रेगुलेटर हैज सॉट दैट द लेंडिंग एंटिटीज प्रोवाइड बोरोवर थ्रू अप्रोप्रिएट चैनल अ स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर इन्यूमरेटिंग द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट रिकवर टिल डेट EMI अमाउंट नंबर ऑफ EMI लेफ्ट द एनुअलाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय एनुअल परसेंटेज रेट APR माइनस द एंटायर टेनर। ठीक है, ये इतना कोई एग्जाम नहीं पूछ रहा है आपसे, ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए थी। द इंस्ट्रक्शन वुड अप्लाई टू ऑल द इक्वेटेड इंस्टॉलमेंट, मतलब इक्वेटेड क्या है, EMI इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट होता है, EMI इक्वेटेड इंस्टॉलमेंट बेस्ड लोन्स फॉर डिफरेंट पीरियडिसिटीज एलबेट विथ सर्टेन चार्जेस बेस्ड ऑन नेचर ऑफ द लोन। वॉट इज डिफरेंस बिटवीन द फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में बढ़ रहे हैं और उसके साथ आपका भी इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो वो हो गया आपका फ्लोटिंग, इंटरेस्ट कम हो रहा है तो आपका भी कम होगा तो ये हो रहा है फ्लोटिंग। और फिक्स्ड कि आपका इंटरेस्ट मानिए एक्स परसेंट है तो फ्यूचर में कोई बढ़ रहा है चाहे घट रहा है आपसे में नहीं मतलब, आपका एक्स ही चलेगा तो ये हो गया फिक्स्ड। चलिए देखते क्या है। फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट आर दोज दैट डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द लोन, ऑन द अदर हैंड फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट आर सब्जेक्ट टू मार्केट डायनेमिक्स एंड बेस रेट, देयरफॉर द रिस्क डिफरेंशिएशन एज ऑल्सो कंटेंडेड बाय द सेवरल लेंडिंग एंटिटीज फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट आर जनरल लोअर देन द फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट्स। फॉर एग्जाम्पल इफ द फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट फॉर होम लोन इज 10.5% द फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट वुड बी 12%, क्योंकि यहाँ पर बैंक अपने फायदे ज़्यादा देखते हैं इसलिए, क्योंकि फ्लोटिंग पता है फ्यूचर में बढ़ेगा तो अपना भी बढ़ जाएगा, पर यह है कि फ्यूचर में बढ़ेगा या घटेगा अपना तो फिक्स रहना है इसलिए वो पहले ये ले लेते हैं, ये बात होती है। लेंडर एग्रीमेंट डेट इवन इफ द फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट वर रेज अप टू 2.5% द बोरोवर वुड बी एबल टू सेव मोर मनी वेन इट इज बिलो द फिक्स रेट। इट हैज़ बीन वाइडली आर्ग्यूड दैट द प्रेफरेंस फॉर द फ्लोटिंग रेट बेस्ड रिजाइम इज बेटर एडजस्टेड देयर पोजिशन एज पर इवॉल्विंग मार्केट डायनेमिक्स, द एडवांटेजेस आर ट्रांसमिटेड ऑन टू बोरोवर सेविंग पूल बट द अपोजिट ऑल्सो होल्ड ट्रू इन राइजिंग बेंच मार्क रेट रिजाइन। ऑल्सो नोट वर्दी इन द फैक्ट दैट जस्ट अ सेकेंड इन द फैक्ट दैट इंटरेस्ट रेट लोन डू नॉट ड्रॉ एनी पेमेंट पेनल्टी अनलाइक फिक्स्ड रेट लोन्स। हाउ एवर द फिक्स्ड रेट बेस्ड रिजाइम endows a borrower with the greater certainty and security. This also helps in better planning and structuring of individual budget. जैसे कि fixed का ये फ़ायदा है कि मानिए आपको पता है कि आपको अगर x परसेंट है तो आपको x अमाउंट ही देना है चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, तो वो फिक्स है उसके माइंड में भाई यहाँ पे इतना खर्च होना ही है। पर फ्लोटिंग में ऐसा नहीं है, सोचिए आज x है कल x प्लस वाई हो सकता है या x माइनस वाई हो सकता है, तो जिस दिन x माइनस वाई है उस दिन तो फ़ायदा, पर जिस दिन कुछ रेट बढ़ जाए ना उस दिन रो दोगे आप क्योंकि आपका बजट फिक्स नहीं है। इसलिए दस प्रोस्पेक्टिव बोरोवर शुड नॉट ब्रॉडर इवॉल्विंग इकोनॉमिक डायनेमिक एंड अकॉर्डिंगली डिसाइड द टेन्योर द सीक। इन लार्जली सिमिलर कंटेक्स्ट इन 2010 VK शर्मा द देन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट द RBI सेड एट द कॉन्क्लेव दैट लेंडर मे आर्ग्यू दैट हाउसिंग लोन बोरोवर वुड प्रेफर अ फ्लोटिंग रेट लोन टू अ फिक्स्ड रेट। This is where RBI guidelines relating to consumer appropriateness and financial literacy and credit counseling enjoined upon the bank come in, he pointed out. This is because typically an unsophisticated and uninitiated borrower may be driven largely by the prevailing lower short-term interest rates, almost completely oblivious to the potential higher interest rate over such a long time horizon such as 10 year or more. देखिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि होम लोन जैसे ज़्यादा टाइम के लिए होता है तो कई बार उसमें लोग जो होते हैं फिक्स्ड वाला नहीं लेते हैं, क्योंकि जैसे बताया फिक्स्ड हमेशा ज़्यादा होता है स्टार्टिंग में, तो वो फ्लोटिंग की तरफ जाएंगे क्योंकि उनको 12 के जगह 10.5 दिख रहा तो लगेगा अरे यार ये तो बहुत अच्छा है 10.5 12 के कंपैरिजन में, पर उनको ये नहीं पता फ्यूचर में अगर बढ़ेगा तो उनका 15 भी हो सकता है और यहाँ पे 12 वाले को फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पे RBI मतलब कहता है कि देख दाख के लो यार लोन ऐसे ही मत लो। वॉट इज़ RBI इंस्टांस ऑन असेसिंग रीपेमेंट कैपेसिटी। RBI स्टेटेड इन अ सर्कुलर दैट लेंडिंग एंटिटीज आर रिक्वायर्ड टू कंसिडर द रीपेमेंट कैपेसिटी ऑफ द प्रोस्पेक्टिव बोरोवर। दिस इज टू अलाउ बोरोवर एडुकेट और ऑप्टिमम हेडरूम मार्जिन फॉर एलोंगेशन ऑफ टेन्योर और इंक्रीज इन EMI। अबाउट पैरामीटर फॉर असेसमेंट गवर्नर शक्तिकांत दास had earlier stated that bank would have to
कंसिडर द पेमेंट कैपेसिटी ऑफ द बोरोवर एंड हाउ लॉन्ग पेमेंट कैपेसिटी वुड लास्ट एज फैक्टर। मतलब जवान आदमी है तो वो लंबे टाइम तक काम करेगा पता है, पर अगर उसकी एज ऑलरेडी हो चुकी है तो क्या वो उस समय पेमेंट कर पाएगा, ये बात हो रही है। ही कॉशन डेट इट वुड नेसेसरी टू अवॉइड अनड्यूली लॉन्ग एलोंगेशन विच समटाइम्स मे गोइंग फॉरवर्ड कैमोफ्लॉज द अंडरलाइंग स्ट्रेस इन अ पर्टिकुलर लोन। द एक्सटेंशन ही स्टेटेड मस्ट बी फॉर अ रीजनेबल पीरियड। इट इज कमर्शियल डिजाइन दैट द बैंक हैव टू टेक। वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग सम ब्रॉड गाइडलाइंस से इन्फॉर्म। तो चलिए देखते हैं इस आर्टिकल में हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है। देखिए इम्पोर्टेंट मैं आपको अगर बताऊँ, सबसे पहले हमारे लिए हो जाता है RBI के, RBI के फंक्शंस क्या है एज एपेक्स बैंक और सेंट्रल बैंक। तो एपेक्स बैंक और सेंट्रल बैंक हमारे लिए क्या हो जाता है, इंटरेस्ट रेट इसमें दो आते हैं, फ्लोटिंग और फिक्स, तो FL और FIX। तो ये आपको पता होना चाहिए फ्लोटिंग और फिक्स में क्या डिफरेंस है, इसमें आर्टिकल में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। और दूसरा कि जो रिसेंटली हुआ है कि EMI बढ़ाओ या लोन ईयर जो आपका है टेन्योर है उसको बढ़ाओ या दोनों को कंबाइनली बढ़ाओ कम करो, ये उसकी बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि हमारे पास क्या क्या राइट है। अगर हम चेंज करवाना चाह रहे हैं, मानिए फ्लोटिंग से फिक्स में जा रहे हैं हम लोग, तो जो चार्जेस होंगे वो हमें कौन बताएगा, बैंक बताएगा। क्या वो हमारी जिम्मेदारी है कि हमें चार्जेस पते होने चाहिए? देखिए एक तरीके से पता तो होना चाहिए, पर अगर कोई इतना समझदार नहीं है, कोई इतना फाइनेंशियली एजुकेटेड नहीं है, मतलब फाइनेंशियली उसके पास नॉलेज नहीं है, फाइनेंशियली नॉलेज, फाइनेंशियल नॉलेज, फाइनेंशियली नहीं फाइनेंशियल नॉलेज अगर किसी के पास नहीं है तो उसको बैंक की जिम्मेदारी है बताना। वैसे अगर आप हो समझदार तो आपको खुद पूछना चाहिए, भाई और तो कोई हिडन चार्जेस नहीं है, तो ये खुद ही पूछ लेना चाहिए, पर बैंक की जिम्मेदारी है इस केस में। तो ये बहुत अच्छी चीज़ RBI ने की है हमारे लिए। इस आर्टिकल में बस इतना ही था। एंड थैंक यू गाइस, वर्क हार्ड, खूब पैसा कमाओ, खूब लोन लो, देश को आगे बढ़ाओ एंड वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स। थैंक यू।